हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट। तो चैनल पे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो है अभी तक साइंस के वीडियो अपलोड किए हैं और हिस्ट्री के, और इसके अलावा जो है पॉलिटी के काफ़ी वीडियो अपलोड हो गए हैं। अंकित पांडे भी जुड़ गए हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपको जो है डेली वीडियो अपलोड, 2-3 वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया गया है, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें। अभी तक 700 से अधिक लोगों ने जो है ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आसानी से आप जा करके वहाँ रियल टाइम में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब चैनल पे नए लोग जुड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक डिजीज यानी आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक में जो है ह्यूमन डिजीज और फिर प्लांट डिजीज करके उसके बाद हम लोग ये साइंस कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो रहेगा जियोग्राफी या हिस्ट्री रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। मतलब ऐसे रोग जो जन्मजात होते हैं, आपके जीन में होते हैं, तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो ऐसे आनुवंशिक रोग क्यों होते हैं? वो ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जीन, डिफेक्ट इन जीन। तो जीन में जो है खराबी की वजह से, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ जीन, जो जीन होता है जीन में खराबी की वजह से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो आनुवंशिक रोग को में क्या क्या एग्जांपल आ जाता है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब। तो आनुवंशिक रोग को जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज। लिंग हिंदी में कहते हैं लिंग सहलग्न रोग, लिंग सहलग्न रोग। अच्छा, इसको सेक्स लिंक्ड डिजीज क्यों कहते हैं? तो इसे सेक्स लिंक्ड डिजीज इसलिए कहते हैं कि इनका जो डिफेक्टिव जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 23वें जोड़ी को जो है क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं ना। अगर यक्स एक्स रहता है तो फीमेल, और अगर यक्स वाई रहता है तो फिर मेल। और ये मैं आपको बता दूं, इन्हें जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डिफेक्टिव जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस ये जन्मजात रोग होता है। इसमें जो रोगी होते हैं वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो कलर होता है उसको अलग अलग नहीं कर पाते, जैसे रेड और ग्रीन में। जो सबसे अधिक जो कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है वो रेड और ग्रीन की पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे की जॉब नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है कलर ब्लाइंड रहेंगे, पता लगा जो है हरी झंडी के बजाय जो है लाल झंडी दिखती रहेगी उनको, और लेके चले जाएंगे, लाल हरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है पेंटर और ये सब जो है नहीं बन पाते हैं लोग, रेड और ग्रीन का अंतर नहीं कर पाते हैं। अब ये डिजीज में होता क्या है? जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफेक्टिव रहता है, और इसमें जो है ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। मुख्य रूप से कौन प्रभावित होते हैं? पुरुष में होते हैं। और जो फीमेल होती है, मतलब महिला होती है, महिला इसकी कैरियर होती है। कैरियर मीन्स वाहक, उसमें रोग नहीं होगा लेकिन वो रोग को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते जाने में सक्षम होती है। तो हम लोग अभी बात करेंगे कैसे कैरियर होता है और कैसे फिर जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अभी ये जान लीजिए कि ये क्या होते हैं। इसमें जो है ये जो है सेक्स लिंक एक्स लिंक्ड डिजीज है, जिसके जो है डिफेक्टिव जीन कहाँ पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं और महिलाएं इसकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं। फिर उसके बाद आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है
जिसमें रोगी का खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। सामान्य तौर पर आपने, मैं जो ब्लड का बताया था तो उसमें बताया था सामान्य तौर पर जो ब्लड होता है कहीं पे कटने पर 2 से 5 मिनट में अपने आप जम जाता है, ब्लड क्लाटिंग हो जाती है जिससे रक्त बहने से रुक जाता है। लेकिन जो है, जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड क्लाटिंग नहीं होती है और 24 से 48 घंटे तक जो है उसमें ब्लड बहता ही रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का जो है ऑपरेशन नहीं किया जाता। ऑपरेशन करने से पहले हीमोफीलिया का टेस्ट कराया जाता है कि अगर वो हीमोफीलिक रहेंगे तो ऑपरेशन नहीं कराया जाता। क्यों? पता लगा कि जो रोग से जो है 2 साल बाद मरता, लेकिन ऑपरेशन कर दिए वो अगले ही दिन मर गया। तो इससे अच्छा है कि ऑपरेशन ना ही करें। तो ये हो गया हीमोफीलिक। और हीमोफीलिया का भी जो डिफेक्टिव जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाता है। सबसे पहले हेल्डन करके एक साइंटिस्ट थे, हेल्डन ने इस रोग की खोज जो है बताई कि ये जो ब्रिटेन की महारानी थी उनमें जो है ये डिजीज सबसे पहली बार देखा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे, इसके अलावा जो है और भी जेनेटिक डिजीज जो मैं सिंड्रोम बताया आपको वो भी जेनेटिक डिजीज में आ जाएंगे। ठीक है, सिंड्रोम जो बताया मैं आपको, कौन कौन सा सिंड्रोम, लांगडन डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैटकराई सिंड्रोम, ये सब जो है आपका जेनेटिक डिजीज में आ जाएगा। अच्छा, फिर जेनेटिक डिजीज का उपचार क्या है, जो आनुवंशिक रोग हैं उनका उपचार क्या है, क्योंकि ये जीन में चले जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते रहते हैं, इसका उपचार नहीं, तो उपचार क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी चैन चैन जो होती है कहीं से टूटी रहती है या फिर कहीं से जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर क्या दुकानदार के पास जाते हैं, वो मैकेनिक के पास, तो वो क्या करता है कि जो चैन खराब रहती है जो टुकड़ा उसको काट करके अलग करके और वहाँ अच्छा वाला जोड़ देता है। तो ऐसे ही जो मैं डीएनए का बताया था आपको, एडनिन गुआनिन थाइमोसिन, तो ये क्या है, जेनेटिक कोड है। मान लीजिए इसमें डिफेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इतने को काट करके और यहाँ पे अच्छा वाला जीन लगा देंगे। इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। इसको क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के द्वारा आनुवंशिक रोग ठीक किए जा सकते हैं, वैसे किसी दवा से आनुवंशिक रोग ठीक नहीं होंगे। ठीक है, अब फिर ये हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो फीमेल होती हैं वो कैरियर होती हैं, और जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्ट रहेगा, जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट रहेगा तभी फीमेल में रोग होगा, अन्यथा जो है फीमेल में रोग नहीं होगा, रोग हमेशा जो है पुरुषों में होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लियर करता हूँ। तो मान लीजिए कि एक नॉर्मल वोमेन है, कैसी है, एक नॉर्मल वोमेन है, तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स एक्स होगा ना, और एक हीमोफिलिक मैन है। कैसा मैन है? हीमोफिलिक मैन है। तो हीमोफिलिक मैन का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई होता है ना, मैन का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब फिर मैं बता रहा हूँ हीमोफिलिक, तो जो हीमोफिलिक रहेगा डिफेक्टिव रहेगा उसको एक्स बार से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे डिफेक्ट है ना, तो यानी यहाँ पे डिफेक्टिव जीन यानी खराब जीन पाया जा रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया है, हीमोफिलिक हो गया है। तभी तो इसको क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं ना, तो इस पे जो है ये क्या हुआ, हीमोफिलिक। अब इनके जो बच्चे होंगे उनको देख लेते हैं, इनके बच्चे जो होंगे, पहला बच्चा रहेगा एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ये जो है क्या है, फीमेल है, लेकिन फीमेल में आपको बताया कि फीमेल में जब दोनों में एक्स बार होगा तभी जो है वो प्रभावित होंगे, उनमें रोग होगा, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएंगे, वाहक। दूसरे वाले से कर लेते हैं, इसको जो है इससे कर लिए, तो ये क्या होगा, एक्स वाई हो गया। फिर इससे करते हैं एक्स और इससे, तो एक्स डैश एक्स, ये जो है ये हो गया। इस वाले को करते हैं, इस वाले को एक्स को वाई से करते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है कितने बच्चे जो है इनके नॉर्मल हैं और कितने, ये देखिए नॉर्मल, यहाँ पे कोई बार नहीं ना, तो ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ये दोनों दो बच्चे जो लड़के रहेंगे
उनके दो सन यानी 50% उनके सन जो है कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, उनमें कोई डिजीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो उनकी डॉटर रहेंगी, तो 50% जो उनकी डॉटर रहेंगी, और डॉटर कैसी रहेंगी, बताए थे आपको कि डॉटर में रोग नहीं होता है, महिलाओं में ये रोग नहीं होता है, वो लोग क्या होती हैं, बस वाहक होती हैं। तो ये क्या है, एक में है ना, इसलिए वाहक हैं। अगर दोनों में हो जाता, ऐसे दोनों में हो जाता, तब वो क्या बन जाती, उनमें भी रोग हो जाता। तो स्त्रियां जो है इसकी वाहक होती हैं, स्त्रियों में रोग नहीं होता है, और स्त्रियों में रोग नहीं होता, वाहक होती हैं। अगर दोनों क्रोमोसोम पर डिफेक्ट आ जाता है, दोनों क्रोमोसोम में जीन आ जाते हैं, तभी जो है स्त्रियों में रोग होगा, और पुरुषों में अगर ऐसे भी आता है तो तुरंत पुरुषों में रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज में और भी कर सकते हैं आप, जैसे एल्काप्टोन्यूरिया, फेलोक्यूटोन्यूरिया हो गया, इसके अलावा एल्बिनिज्म हो गया, जिसको सफेद रोग कहते हैं, सफेदा, जिसको पूरी बॉडी जो है सफेद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, जो मिलेनिन पिगमेंट का श्रावण करते हैं, सेक्रीशन करते हैं, मिलेनिन क्या करता है, हमारे स्किन का कलर ब्राउन करता है, हेयर का कलर ब्लैक करता है, और साथ ही जो रेटिना है उसका, तो ये सब जो है मिलेनिन उसमें बनता नहीं है, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवंशिक रोग है, ना कि किसी भूत प्रेत का श्राप है, ठीक है। तो ये आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे, और जितने भी सिंड्रोम है वो भी अनुवंशिक रोग में आएंगे। तो अनुवंशिक रोग का उपचार क्या है, जीन थेरेपी, यानी जो डिफेक्टिव जीन है, जो खराब जीन है, उसको काट करके अलग कर देंगे। अच्छा, काटेंगे किससे, तलवार से, चाकू से, नहीं, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। फिर जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, फेविक्विक थोड़ी नहीं यूज होगा, जोड़ने के लिए हम लोग वहां पे लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे का वीडियो आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं